श्रीमद्भागवत के हृदय स्थल रास पंचाध्यायी में कृष्ण मन प्राण आत्मा वाणी और इंद्रियों से रमण करते हैं। नाना प्रकार के रसों का प्रवाह जहां एकत्रित हो उसे रास कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महारास की रस सृष्टि से समस्त ब्रजमंडल को रसोप्लावित कर कृष्णमयी गोपियों को महारास का दान किया। शरद पूर्णिमा के दिवस पर जब श्री कृष्ण गोपियों के संग अद्भुत एवं अलौकिक महारास में लीन थे, तब गोपिकाओं को सौभाग्य मत का प्रमाद उत्पन्न हुआ। श्री कृष्ण गोपियों को अभिमान दोष से निवृत्त करने हेतु महारास से अंतर्ध्यान हो गए। अपने बीच श्री कृष्ण को न पाकर गोपियां भाव विहल होकर प्रेम विरह की वेदना में श्री कृष्ण को पुकारती है। अनंत गोपिकाओं के एक स्वर में एक भाव से पुकारे जाने वाले अर्पित शब्द प्रवाह को ही गोपी गीत कहा जाता है। गोपी गीत प्रमोन्नत बने भक्तों की अलौकिक वाणी है, जिसमें गोपियां मन कर्म और वचन से कृष्णमयी हो गई हैं और उनका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम अलौकिक शब्द रस बनकर गोपी गीत के रूप में प्रकट हुआ। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। Thank you.
Yeah.
I'm not afraid to die।
स्पृश कुहकनु मन Thank you.
चुम्बितम् Oh,
से संविदम् रेच्छयो दयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् रहसि सं व्यथते न किं स्वित कुरपाधिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां नः।